नाम से उन्होंने पूछा कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाकी उन्होंने ये पूछा हमसे कि आपको मदद क्या मिल चुकी है। तो हमने बताया कि मकान मिल चुका है बहू के हैंड ओवर और 5 लाख रुपया जो है वो अभी जो है चाबी मिल गई मकान की, बाकी रुपया जो है भी नहीं मिल पाया है बहू को। तो यही इतनी बात हमने पूछा। घर में वो बैठे थे कितनी देर रुके थे? घर में जो है बहुत ज़्यादा 10-12-15 मिनट ठहरे बस। आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई बात उनसे? नहीं नहीं कोई बात, कोई बात न उन्होंने हमसे पूछा कुछ न हमने। मैं परिवार से इसलिए मिलने आया हूँ कि पुलिस न जाने कितनी लगा देते थे जिससे कि परिवार से आप न मिल पाए। पहले तो सरकार संविधान नहीं मान रही है, और जो सीए को लेकर के पूरा देश आंदोलन कर रहा है, हर नागरिक खिलाफ है, जो भारतीय है वो खिलाफ है। आखिरकार सरकार पहले तो उन्हें अपनी बात नहीं कहने दे रही है, और अगर किसी के घर में दुख हो गया, इस तरह की जान चली गई हो, तो उसके दुख में भी शामिल नहीं होना चाहती है और न सरकार शामिल होने देना चाहती है। इसलिए हमारी मांग है इस परिवार की मदद हो, समाजवादी पार्टी से परिवार की मदद होगी। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो निर्दोष लोगों की पुलिस की गोली से जान गई है उनकी मदद हो।